प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए आज हम लेके हैं शिक्षा मनोविज्ञान में मेथड के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है, इस नहीं है पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस नहीं है पे आप विशेष ध्यान रखेंगे। पहला है आपका गतिशीलता, दूसरा है आपका संतोष, उच्च आकांक्षाएं तथा उद्देश्य पूर्णता, सी आपका असामाजिकता और डी आपका समायोजन शक्ति। ठीक है, जो संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है तो वह क्या हो जाएगी, आपकी असामाजिकता हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। ठीक है, यह क्या है, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। यह क्या है, वातावरण के साथ समायोजन, आत्म चेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जब सतत हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तो वो ऑप्शन आपका हो जाता है ध्येय और अग्रसर होना। हमें ध्येय बनाए रखना होता है और अपने पथ पे आगे बढ़ते चलते रहना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार निकालकर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना होता है वो क्या कहलाता है आपका। ठीक है, आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास अध्ययन, समाज मिति या निर्धारण मान। तो जिसमें आप सार निकालकर संख्यात्मक रूप व्यक्त करते हैं वो हो जाता है आपका डी ऑप्शन सही, निर्धारण मान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, ए आपका है वंशानुक्रम, बी आपका वातावरण, सी आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने की तो वो आपका हो जाता है वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों ही हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, शारीरिक रूप से हमारी बनावट से हमारे हाव भावों से, तो शारीरिक रूप से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं वो क्या कहलाती हैं, बाहरी विभिन्नताएं, आंतरिक विभिन्नताएं, व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो ये हो जाता है आपका बाहरी विभिन्नताएं, जो हमारे शारीरिक रूप की जो बनावटें होती हैं वो हमारा क्या है, बाह्य रूप होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पावलव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है, पावलव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है, इनमें से कौन है। तो निम्न ऑप्शन है आपके, बहुक्रियाएं, आंशिक क्रियाएं, अनुकूलित अनुक्रियाएं और आत्मीकरण। ठीक है, तो पावलव ने जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो है आपका सी ऑप्शन, अनुकूलित अनुक्रियाएं। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है किसके लिए, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए कि सभी के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी होता है इन सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने के प्रकार हैं, सीखने के प्रकार हैं ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम या ये सभी। तो जब सीखने के प्रकारों की बात करते हैं तो ज्ञान, गामक, संवेदनाएं ये सभी हो जाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से या पाठ्यक्रम से। ठीक है, तो बालक को जो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है वो आपके हो जाती है विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से,
ठीक है। बालक को सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं ए समाज में सम्मान रखने की, बी व्यक्ति के बनाए रखने की, सी विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती हैं वो व्यक्ति के बनाए रखने की होती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्मुखी बालक होता है, अंतर्मुखी बालक होता है तो सभी के लिए मिलकर चलने वाला अंतर्मुखी बालक, बी समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, सी एकांत में विश्वास रखने वाला, डी स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाला। तो जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं वो एकांत में विश्वास रखने वाले होते हैं। बहिर्मुखी बच्चे होते हैं जो सभी के साथ मिलकर चलने वाले होते हैं, समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाले होते हैं, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल ढालने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित जो रुचि होती है वो क्या कहलाती है, ए जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति जो होती है वो होती है आपकी जन्मजात रुचि। ठीक है, जन्मजात रुचि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है, ए उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, सी बाधाओं का समाधान करने, या उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, तो व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है वो होता है विश्लेषण व निर्णयों के द्वारा, विश्लेषण व निर्णयों के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि कैसी होती है, जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, निम्न होती है, प्रखर होती है, न निम्न होती है ना प्रखर होती है, उपयोग में से कोई नहीं होता है। तो जो हमारे सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि होती है वो होती है प्रखर। ठीक है, मैंने आपसे कल कमेंट में पूछा था तो इसका आंसर हो गया है प्रखर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में समस्यात्मक बालकों निम्नलिखित में समस्यात्मक बालक कौन है। ठीक है, तो समस्यात्मक बालक कौन है, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक, चोरी करने वाले बालक, या प्रतिभाशाली बालक। तो समस्यात्मक बालक किसे कहा जाता है, तो समस्यात्मक बालक क्या है, चोरी करने वाले बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ये हो गए आपके टॉप 15 क्वेश्चन, और ऐसे ही हम और वीडियो लेके आते रहेंगे सीटेट के आपकी तैयारी कराने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।